यहाँ पे आदिप उत्सव हो रहा है, लाखों जन संख्या यहाँ पहले आ जाए। खुशियों की लहर दिखाई दे रही है, इसके पहले चीखों की आवाज सुनाई दे पड़ती थी सपा सरकार में चीखों की। हाँ, तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। कहने से कोई थोड़ी हो जाता है, उसके लिए करना पड़ता है कुछ। योगी जी ने कितना किया। क्या लग रहा है उधर, कितना बदला है जब से योगी जी या बीजेपी सरकार? जब से आए तब से अयोध्या पूरा मतलब डेवलपमेंट हो चुका है बहुत अच्छे से, और बाबा का सरकार रहा तो अयोध्या जैसा चमकता रहेगा हमेशा। अयोध्या तो राम की नगरी में हमारी मौजूदगी है, और अयोध्या में आज दीपोत्सव का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। लगभग 24 लाख दीप जलाकर यहाँ पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ी पहल की जा रही है, जिसको लेकर ये 7वां दीपोत्सव है उत्तर प्रदेश सरकार का। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उधर की बात दिखाइए तो अब से कुछ देर बाद वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तमाम लगभग यहाँ पर 24,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने लगकर लगभग जो यहाँ पर दिए हैं वो दिए सजाए थे। उसके बाद बीते कई दिनों से ये कड़ी मुशक्कत के बाद यहाँ पर ये आज एक कार्यक्रम सफल रूप से चल रहा है। हम बात करेंगे, अपना नाम बताएं पहले। शिवम चौहान। आप कहाँ? अयोध्या के। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है दीपोत्सव आज आप? बहुत अच्छा। एक हर साल नया विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, और हर साल दिन ब दिन यहाँ का डेवलपमेंट भी बढ़ता जा रहा है। हाँ। और आपके 2024 में फिर मोदी सरकार है। फिर मोदी सरकार आ गई, तो अब तो ये धार्मिक प्रोग्राम। आप बताएं क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? प्रशांत कुमार। यही अयोध्या के? हाँ, अयोध्या वासी हैं। तो क्या लग रहा है अयोध्या, कितना बदला है जब से योगी जी या बीजेपी सरकार? जब से आए तब से अयोध्या पूरा मतलब डेवलपमेंट हो चुका है बहुत अच्छे से, और बाबा का सरकार रहा तो अयोध्या जैसा चमकता रहेगा हमेशा। अयोध्या तो राम की नगरी है, और योगी जी लगातार प्रभु श्री राम के आराध्य मानते आ रहे हैं। प्रभु जी, योगी जी हमारे अयोध्या की नगरी में जब से आए हैं तब से हमारा बहुत अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे योगी बाबा फिर अयोध्या में आए और हमारे दीपोत्सव को आगे भव्य बढ़ाने की कृपया करें। तो योगी जी तो मौजूद हैं आपके सामने। भैया कहाँ के हैं आप? मैं कानपुर का हूँ। कानपुर से? तो यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर दीपोत्सव में आया हूँ मैं। दीपोत्सव में आए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है दीपोत्सव से हूँ यहाँ पे? दीपोत्सव में अरेंज करने के लिए भी आप लगे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं 2 दिन से यहाँ आया हूँ, यहाँ अरेंज करवा रहा हूँ मैं। अच्छा, अरेंज करवा रहे हैं? इसके पहले भी आ रखे थे आप? नहीं, फर्स्ट बार आया हूँ मैं। कैसा लग रहा है फर्स्ट बार में? इतना महसूस हो रहा है अयोध्या की नगरी राममय हो रही है। बिल्कुल, अयोध्या तो राममय 22 जनवरी को होने जा रही है। 22 जनवरी को जब मंदिर स्टार्ट हो गया, अभी से स्टार्ट हो गई है, और 3 महीने जनवरी तक बिल्कुल ऐसी राममय रहेगी अयोध्या नगरी। हम आएंगे, योगी बाबा आते रहेंगे हमारे। योगी जी तो लगातार यहाँ आते रहते हैं भाई, हमेशा आते रहेंगे। आनंद प्रकाश पांडे। तो पहली बार अयोध्या दीपोत्सव में अपना भागीदारी कर रहे हैं या फिर पहले से? पहले पिछले 3-4 जब से बीजेपी सरकार बनी तब से हम कर रहे हैं। तो तब से तो अयोध्या में धर्म दीपोत्सव हो रहा है, उसके पहले होता था क्या? उससे पहले कहाँ होती थी? उससे पहले गोलियां चलती थी यहाँ पे राम भक्तों के ऊपर। अयोध्या में? अयोध्या में। और कहाँ पे? अच्छा, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसे ही होता था। और अब क्या हो रहा है अयोध्या? अयोध्या दिखाइए, बदल आप एक बार नजर उठा के देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। आदिपुत्सव हो रहा है, लाखों जन संख्या यहाँ पहले आ जाए। खुशियों की लहर दिखाई दे रही है। इसके पहले चीखों की आवाज सुनाई दे पड़ती थी सपा सरकार में चीखों की। हाँ, तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। कहने से कोई थोड़ी हो जाता है, उसके लिए करना पड़ता है कुछ। योगी जी ने कितना किया अयोध्या के लिए आपके नजरिए से? हमारे नजरिए बहुत 100%। और आप देख भी सकते हो, एक बार आप खुद एक समझदार प्रेस करता है जी, आप खुद देख सकते हो। अयोध्या के रहने वाले हैं 7 साल, पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश की कमान जब से योगी जी ने संभाली है तब से अयोध्या कितना बदलते हैं आपने देखा? पहले हमें क्या क्या बदला ये भी बता दीजिए कि जो आप यहाँ पे देखो, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, रिंग रोड, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज सब बनना, और क्या चाहिए? इससे पहले क्या था अयोध्या? इससे पहले आप बताइए क्या था? कुछ था तो नहीं भाई। 1992 से पूरा देश देख रहा, पूरा विश्व देखा इसी अयोध्या को, लेकिन आप लोगों में श्रीराम के नारे की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। जो गूंज यहाँ से जानी चाहिए वो गूंज अभी हम किसी के मुंह से दिखने सुनने में नहीं आ रही है। एक बार श्रीराम का जयकारा तेज से निकलना चाहिए। यही के आप भी? आप भी यही के हैं जी सर? तो भैया के साथ आप भी लगे हैं जी सर? तो आपको कैसा लगता है? भैया तो बता रहे हो कि अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा जो है उत्सव यहाँ देखने को मिल रहा है हमें, जो हम यहाँ उत्सव का आनंद भी ले रहे हैं।
देखते हुए। सर हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। जी 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 जी, इसीलिए तो सर जैकेट जैकेट ये सब का व्यवस्था कर हुए हैं। आपने जैकेट नहीं पहनने की बजाय बता रहे हैं सर्द। सर्द तो है लेकिन उमंग के गर्मी में हम उमंग। अरे ये भी कह सकते हैं राम के नाम के आगे सब कुछ फीका। भैया को तो ठंडी लग रही है, आपको नहीं लग रही? हमें नहीं लगेगी भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।